हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे डिसअपॉइंटेड इन लव, यानी कि प्यार में धोखा खाना। ये तो 100 में से 70% लोगों के साथ तो प्यार में धोखा खाना की से होता ही है, क्योंकि हमारे पास जो अक्सर नाकाम आशिक हैं वो इसी कम से अपनी ज़िंदगी कुछ तो गुजार लेते हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सही नहीं होती, तो उनकी वजह से जो उनका रिलेशन है वो सही चल ही नहीं पाता। और दूसरा, कुछ जगह पे रिवायत थोड़ी अलग अलग होती हैं, तो उन वजह से भी काफ़ी लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं, और वही धोखा उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही परेशानियां खड़ा कर देता है। अब उन जब प्यार में कोई धोखा खाता है तो वो एक उसका जो माइंड है बिल्कुल हैंग हो जाता है, क्योंकि प्यार एक ऐसा ही वायरस है कि इंसान को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देता है। उसके ख्यालात, उसके घूमना फिरना, काम, उसकी हर जगह से, हर काम से उनकी दिलचस्पी टूट जाती है, और वो अक्सर मायूसी और अपनी ज़िंदगी जो है तन्हाई में गुजारते हैं। तो हमें एक चीज़ जो है, एक बात जहन में ज़रूर बिठानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमें नहीं मिलेगी। इंसान कितना ही अमीर हो, कितना ही उसके पास दौलत हो और वो कितना ही लकी हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो यकीनन वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। हमें ये इस बात को जहन में बिठाना होता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप अपने जहन में बिठा दें। ट्रीटमेंट तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन है जो इस दुख से गुज़र रहे हैं, जो इस मायूसी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या उनको सुसाइडल जो थाट्स आते हैं कि डूब कर मर जाएं, तो उन सारे जो सिम्टम्स जिसमें आते हैं उन हवाले से मैं आपको मेडिसिन तो बताऊंगा, लेकिन कुछ हमें रियलिटीज़ में ये बातें माननी होती है कि अब किसी लड़की की शादी हो जाए, अगर लड़का उसी के प्यार में डूबा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी तो शादी हो गई है तो वो इसको तो नहीं मिलने वाली ना। तो ऐसी काफ़ी ऐसी मसले होते हैं। प्यार लाजमी नहीं है कि किसी लड़की से हो, प्यार किसी को स्टडी से होता है, किसी को किसी काम से होता है, किसी को, हर इंसान का अलग अलग तरीके से प्यार होता है। तो हर इंसान की जो जब कोई प्यार जो उसका जो है ना दिलचस्पी टूटती है तो दुख बहुत होता है, क्योंकि वही दुख एक मुझे भी हुआ था, क्योंकि मुझे जो प्यार था वो था स्टडी से, क्योंकि जो मुझे बनना था वो मैं नहीं बन पाया, लेकिन जो बना हूँ वो भी मेरे रब का शुक्र है कि मैं फिर भी अच्छा ही बन गया। दुख तो मुझे पहले बहुत होता था, अगर मैं होम्योपैथी में नहीं आता तो शायद ही उस दुख से मैं कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि मुझे MBBS डॉक्टर बनना था एक्सीडेंटली, क्योंकि थोड़े हमारे फिनांशियल हालात भी सही नहीं थे और इस वजह से नहीं बन पाया। तो बहरहाल मैं होम्योपैथ में गया, होम्योपैथ में DHMS किया, तो ये भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद जो मैं दुख से गुज़र रहा था, जिस वजह से मैं परेशान होता था, इतना अपसेट होता था कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो उस वक्त से मैं गुज़रा। यहाँ से मैंने मेडिसिनें भी पढ़ी काफ़ी, जब जैसे जैसे आगे गए मेडिसिन पढ़ते गए, तो हमने खुद ने भी सोचा कि हम तो खुद भी इस ग्रीफ डिप्रेशन का शिकार है और खुद भी सदमे का शिकार है, तो हमने भी मेडिसिन यूज़ की। हम उस सदमे से निकल कर अब अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो हर इंसान को जो प्यार है अलग अलग तरीके से होता है, अब किसका किससे है, किसका किससे। बहरहाल अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, आपको कोई अच्छा कपड़ा पसंद आ जाए और आप वही कपड़ा जो है 10-15 मिनट उस कपड़े की जांच पड़ताल करते हैं, आप इसको एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि आप माइंड सेट बनाया हुआ कि आपने ये लेना है, और वही कपड़ा आप रख कर थोड़ा आगे वही दुकान में दूसरा कपड़ा ढूंढना शुरू हो जाते हैं,
अक्सर जो है कस्टमर आता है दूसरा, वही कपड़ा खरीद कर चला जाता है, तो आप अब शिकायत किससे करेंगे? आपको दुख तो होगा कि यार यार पसंद तो मैंने किया था लेकिन ले दूसरा गया। तो असल में वो आपके लिए कपड़ा था ही नहीं। जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। आप कितने अमीर हो, आप कितने लकी हो, आपको नहीं मिलेगी। ये आप माइंड में चीज़ ज़रूर बिठाएं। मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन कुछ अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो जब इंसान प्यार में जाता है तो उसके लिए बहुत सी परेशानियां होती हैं और वो इतनी इतनी दुख से गुज़रता है कि उसका जो अंदाज़ा हम वीडियो में तो करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्टली वीडियो बनानी है मुझे, वैसे भी ये 5 से 10 मिनट की वीडियो हो ही जाएगी। अगर किसी इंसान को जो प्यार में धोखा वगैरह मिलता है तो धोखे की, प्यार में धोखे की जो मेडिसिन सबसे बेहतरीन जो पहली मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। जब आपको मोहब्बत के अंदर धोखा मिल जाए और आपको दिमागी कमज़ोरी हो, आप जल्द थक जाते हो, आपकी अक्सर बेचैनी रहती हो, तो आप एसिड फॉस 30 में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर किसी फीमेल को प्यार में धोखे की वजह से उनके जो मेंसेस है वो रुक गए हैं या वो नहीं आते हैं, तो ऐसी ख्वातीन के लिए जो मेडिसिन है वो है हेलिबोरस। वो हेलिबोरस 30 में इस्तेमाल करें, उनका जो पीरियड वाला मसला है वो भी सही हो जाएगा। अगर किसी को प्यार में धोखे की वजह से उसको ख्यालात आते हैं कि कहीं डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसे अगर थाउट्स आते हैं किसी नदी में डूब के मरना चाहिए या किसी कहीं पर भी जो कोई भी सुसाइडल जो ख्वाब आते हैं, अब उनको सुसाइड करने का ही मरने के ख्याल आते हैं, तो इसे इंसान को जो है हायोसाइमस 30 में 2-2 बूंद दिन में 3 मरतबा कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करवाएं, तो उसका जो ये थाउट्स है ये नॉर्मल आ जाए। प्यार में धोखा किसी को मिलता है तो कोई साइलेंट ग्रीफ में चला जाता है, यानी कि खामोश रहता है। अक्सर लड़कियों में ऐसा होता है, वो अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पाती, तो उस वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं। इतनी परेशान होती हैं कि वो किसी को अपनी बात भी नहीं बताती, अपने अपने अंदर में वो अपना गम लेकर रहती हैं, अक्सर सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो उसको उससे नफरत भी करती हैं लेकिन उसको बिना रह भी नहीं पाती। तो ऐसे लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो है इग्नेशिया 30 में आप इस्तेमाल करवाएं। जो साइलेंट ग्रीफ में जो प्यार में जो धोखा मिला था, साइलेंट ग्रीफ में आप गए थे, आप अकेले रहते हैं, आपको तनहाई ज़्यादा पसंद है, आप अंदर ही अंदर से मायूस हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो इग्नेशिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट मेडिसिन है नेट्रम्योर। जब किसी को इश्क बहुत पुराना हो जाए और उसी इश्क से काफ़ी साल गुजर जाएं, वो इसी इसके इश्क में गम में जो अक्सर डूबा रहता है, तहाँ रहता है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने का आदि हो जाता है, नमकीन गोश्त वगैरह भी खाने का आदि हो जाता है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको नेट्रम्योर 30 में इस्तेमाल करवानी चाहिए और दिन में 3 मरतबा आप 2-2 ड्रॉप ले सकते हैं। मैंने जस्ट मेडिसिन जो है इंफॉर्मेशन के लिए ये बताई हैं। आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट या फिजिशियन से आप अपना मायना करवा कर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे जस्ट हम तो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेडिसिन बता देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो डॉक्टर अपने तरीके से पेशेंट देखता है तो मेडिसिन कुछ अलग भी हो जाती है। तो मेरी वीडियो को और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।